Long ago, the wise brave Robert Bruce was the king of Scotland. His kingdom was going through difficult times. The king of England had wreaked war against Scotland. Before many years, Robert Bruce king was ruled in the kingdom Scotland. He was wise and honest towards his kingdom, but during his kingdom ruled, he had to face with English army. By coming of English army as enemy in his kingdom, all Scotland faced many problems his kingdom because of English army. बहुत समय पुरानी बात है, स्कॉटलैंड के एक राजा राजा ब्रुश वहाँ पे शासन किया करते थे। वो बहुत ही ईमानदार और अपने राज्य के प्रति बहुत ही ऑनेस्ट रहा करते थे। वहाँ की प्रजा भी उनसे बहुत प्यार करती थी, वो अपने न्याय के लिए प्रसिद्ध थे। हिज किंगडम वॉज गोइंग, लेकिन किसी एक समय में उनका राज्य बहुत सी परेशानियों से फेस कर रहा था बिकॉज ऑफ इंग्लिश आर्मी, क्योंकि इंग्लिश आर्मी ने उन पर अटैक किया था फॉर गेटिंग हिज किंगडम, उनका राज्य पाने के लिए। द किंग ऑफ इंग्लैंड हैड राइट वॉर अगेंस्ट स्कॉटलैंड, वो बार बार स्कॉटलैंड पे आक्रमण कर रहे थे। सो न्यूमरस बैटल्स व फॉर बिटवीन द टू किंगडम, कई सारे अ लॉट ऑफ वॉर हेल्ड बिटवीन दैट किंगडम, दोनों राज्यों के बीच में कई सारे युद्ध हुए। एटलीस्ट 6 टाइम किंग ब्रुश वैलेंट आर्मी फॉर ब्रेवली बट रिमेन अनसक्सेसफुल। The armies of Bruce fought bravely with an English army, but not success. बार बार युद्ध किया उन्होंने वहाँ की सेना ने स्कॉटलैंड की इंग्लिश आर्मी से, लेकिन वो सफल नहीं हुए। ओके, एंड दिस डिसकॉन्टेंटमेंट लेड टू द आर्मी स्प्लिटिंग एंड गोइंग सेपरेट वेज, एंड आफ्टर दिस डिफीट कंटिन्यूइंग अटैकिंग बाई द इंग्लिश आर्मी एंड फाइटिंग विद दैम, कंटिन्यू लड़ने और उनके अटैक करने पर इंग्लिश आर्मी द्वारा स्कॉटलैंड की जो सेना थी हार मान ली, सक्सेस नहीं हुए। वो युद्ध करते करते कंटिन्यू हारने के बाद वो सक्सेस नहीं हुए और इधर उधर चले गए, उनके अपने रास्ते बदल गए, गोइंग सेपरेट वेज। किंग ब्रुश वॉज फोर्स टू लीव द किंगडम एंड हाइड इन दिस वे, एंड द किंग ऑफ स्कॉटलैंड ऑल्सो फोर्स टू हाइड, उनको अपना राज्य छोड़ना पड़ा और वो किसी गिवअप कर लिए। फाइनली ही गिव अप आफ्टर दिस डिफीट, किंग फोर्स टू गिव अप, उनको हार माननी पड़ी इस हार के बाद। 6 टाइम अटैक करने के बाद उन्हें हार माननी पड़ी और वो फाइनली किसी जंगल में जाके छुप गए। एंड दिस इंसिडेंट मेड सो मच डिसअपॉइंट टू देयर आर्मी एंड स्कॉटलैंड किंग्स ऑल्सो। So, lying on a makeshift set of hay and sticks one rainy day, King Bruce was listening to raindrops falling on the roof. He had been hiding in the forest for quite some time. He had grown tired of it. It seems there is nothing I can do to get my country boy back. I can never win over the King of England. Bruce had lost all hope and was beginning to give up. And one night in the forest, King sat on the sticks below the shed. एक समय की बात है, जब जंगलों में वो छुपे हुए थे तो शेड के नीचे बैठे थे और शेड के नीचे और झाड़ियों के ऊपर बैठे थे। And rain was happening there, बरसात हो रही थी। तो he listening carefully that rain drops, बहुत ध्यान से सुन रहे थे। And think over his defeat, अपनी हार के बारे में सोच रहे थे कि I can do to get my country back, क्या मैं अपने राज्य को वापस नहीं पा सकता था। I can never win over the king of England, क्या मैं उस पर कभी युद्ध नहीं कर सकता था। Means वो कभी कभी कुछ सोच रहे थे, कभी कुछ सोच रहे थे, but regarding to his defeat, अपनी हार के बारे में ही सोच रहे थे। He was tired, वो बहुत थक गए थे। He was tired, अपनी हार से थक गए थे, वो छुप इतने दिन से छुपे थे, वो उससे थक गए थे, अपने राज्य को अपनी प्रजा को खुशी नहीं दे पाए। सो वो ही थिंक मोर एंड मोर अबाउट हिज डिफीट, बहुत ज़्यादा सोच रहे थे दैट ही कुड नॉट सेव हिज कंट्री अगेंस्ट इंग्लिश आर्मी। ही कैन अटैक, वो अटैक कर सकते थे, बट ही वुड नेवर बी बैक इन हिज कंट्री, वो कभी भी अपने राज्य वापस नहीं गए। ही कॉन नॉट गेट बैक हिज किंगडम बाई विन ओवर दैम, वो अपने राज्य को कभी वापस ना पा सके युद्ध करके। ही वॉज टायर्ड बाई हिडन ऑल्सो एंड लॉस्ट ऑल होप, मीन्स
हर हाल में वो अपनी उम्मीद को खो बैठे थे. टोटली ही वॉज डिसअपॉइंटेड बाई हिज डिफीट एंड थिंक मोर एंड मोर अबाउट हिज डिफीट. बहुत सोच रहे थे एंड ये सोच सोच के वो फिर उदास हो जाते थे.